दर्शन न्यूज। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी को 3 महीने से शिक्षकों को HRMA कटौती करना भारी पड़ता दिख रहा है। वहीं शिक्षकों ने इसको लेकर नाराजगी जताते हुए 23 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन किया था। आपको बताते चले कि उक्त प्रदर्शन में पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आज मंगलवार को आश्वासन दिया था कि शिक्षक संघ के साथ बैठकर मामले का निपटारा करेंगे। वहीं बताया जाता है कि जब जिले के शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुँचे तो पदाधिकारी महोदय कार्यालय से नदारद दिखे। इस मौके पर नाराजगी जताते हुए पुनः आज शिक्षकों ने प्रदर्शन कर दिया। उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और बहुत ही जल्द यहाँ पे शिक्षा विभाग और मौनिया चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम आज नियोजित होता है। आप देखिए, आप बोलिए शिक्षा कर्ता जिंदाबाद, शिक्षा कर्ता जिंदाबाद, तानाशाही बंद करो, HR वापस देना होगा, HR वापस देना होगा। क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। उस दिन इनका लैंग्वेज कुछ और था और आज हमें जरूरी है आप शिक्षकों को बताना कि हम लोगों को कितना लड़ना पड़ता है यहाँ पे, कितना हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है। आज हमारे देखिए स्टूडियन के साथ क्या क्या हुआ है, आप लोग भी बताएंगे। बंधुओं, शनिवार के दिन इन्होंने हमसे कहा, आप लोगों के सामने कहा कि मंगलवार को हम आपसे वार्ता करेंगे, परंतु आज इस समय 6 बज गया है, 4 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि VC कर रहे हैं। ठीक है, VC आपका अगर निकालना था तो हमसे क्यों नहीं पहले ही कह दिया था कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, आज हमारे टीचर नहीं आते, इतनी दूर से आए हैं। इसलिए अब हम आगे की कार्रवाई के लिए SDO से परमिशन लेंगे और ले करके उस दिन पुतला दहन करेंगे। धन्यवाद। और साथी लोग देखिए, आप सर क्या मतलब, हम लोग कितने देर से बैठे हुए हैं और हमारे क्या सम्मान है, वो हमारे पदाधिकारी जरूर है, लेकिन इस तरह से बेतुका बात बोलकर हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे शिक्षकों के जो ये बुजुर्ग नेता हैं और हमेशा बिना स्वार्थ के लड़े हैं, इनके साथ ऐसा वार्तालाप करके देखिए साथियों, ये लोग भी आए हुए हैं हमारे बीच, सर भी हैं और बंशीधर सर भी हैं और हमारे शिक्षक वो बाइक पे भी बैठे हुए, उनका अन्य काम होता है हमारे शिक्षकों के लिए जो लड़ते हैं। और इधर देखिए साथियों, हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग इधर उधर चले गए, हम लोग वेट कर रहे थे कि उनसे वार्ता करके कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है साथियों। अब हमें आंदोलन का आगाज करना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें मरना होगा, तभी हमारे हकों को माना जाएगा। और बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ आज, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं DO और इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी भी हालत में। संघ के पदाधिकारी से उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम दूसरे रोज आपसे क्या वार्ता करना है आपसे, तो आप वार्ता क्या करना, हम लोग पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या क्या आप क्या बोलना चाहेंगे साथी? मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस तरह से जो अपमानजनक भाषा इनके द्वारा बोला गया है और सभी शिक्षक यहाँ पे मौजूद थे, स्पीकर खोल के सर के द्वारा सुनाया गया है और बात को रिकॉर्डिंग भी की गई है, इनके द्वारा क्या बोला गया? हमारे जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव महोदय ने अभी 3 घंटे के बाद DO साहब को कॉल करके बात किया, वो गोल गोल घुमा रहे हैं और इस पक्ष में सही बात नहीं बोल रहे हैं। उस दिन बोले कि मैं इसको निरस्त कर दूंगा, HRA जो DPO स्थापना द्वारा निकाला गया है, और ये गोल गोल आज घुमा रहे हैं। इसके लिए हम इस सभी शिक्षकों को, हमारे गुप्ता सर और सत्येंद्र भाई, तमाम शिक्षक लोग, मनोज त्रिपाठी जी, संतोष कुमार जी, लालदीप बाबू, बंशीधर बाबा जी, वीरेश्वर सिंह जी और संजीव सिंह जी, आनंद सर, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और इस शाम के बेला में हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अगले गुप्ता सर या सत्येंद्र भाई जो भी निर्णय लेके SDO के यहाँ से हम लोग पारित करवाते हैं और इन पर आर पार की लड़ाई होगी, इनका पुतला दहन किया जाएगा और इनकी जो तानाशाही उसको हम लोग समाप्त करेंगे। शिक्षक कर्ता जिंदाबाद, 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 शिक्षक कर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।